हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ डालगोना कॉफ़ी का रेसिपी। तो आइए देखते हैं रेसिपी। इसके लिए हम लेते हैं 2 टेबल स्पून ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, सेम ही मेजरमेंट रखी है। और मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर 2 टेबल स्पून लिया है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो 2 टेबल स्पून लीजिए, और अगर माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो 3 टेबल स्पून ऑफ चीनी लीजिए या पाउडर शुगर। इसके बाद हम हॉट वाटर 2 टेबल स्पून लेंगे, सेम ही मेजरमेंट रखिए हमेशा। सिर्फ चीनी आप चाहे तो 1 चम्मच ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कोई मिक्सर में नहीं बना रही हूँ, ब्लेंडर में मैं इसको विस्कर के साथ बनाऊंगी। तो आइए विस्कर से साथ बनाते हैं। तो विस्कर में एक ही डिरेक्शन में आप कंटिन्यूस थोड़ा स्पीड में आप घुमाते रहिए। इससे बनने के लिए हमें 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो कंटिन्यूस विस्क करते रहिए, कॉफ़ी अपना फॉर्म धीरे धीरे चेंज करेगा। आप देख सकते हैं कॉफ़ी का फॉर्म चेंज हो रहा है। इसको ऐसे बनना चाहिए ताकि मिल्क के ऊपर ये फ्लोट करे। कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहिए। आप चाहें तो ब्लेंडर से भी ये इजीली बना सकते हैं। हमें एक सॉफ्ट पीक लाना है इसमें, और कॉफी जब हुस्कर से नीचे ना गिरना चाहिए, ऐसे देखना है। लगातार व्हिस्क करते रहिए। और अभी धीरे धीरे चेंज होने लगा है फॉर्म, आप देख सकते हैं। अभी मेरा कॉफ़ी रेडी हो गया है, अभी सर्व करते हैं। आइए सर्व करते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है कॉफ़ी मग, और उसमें मैंने 1/2 कप ऑफ हॉट मिल्क डाला है। आप चाहे तो चिल भी सर्व कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क लेके उसमें आप डाल दीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए। इसके ऊपर मैं कॉफ़ी का मिक्सचर डाल रही हूँ। देखिए मिक्सचर, कॉफ़ी और मिल्क का मिक्सचर अलग अलग है। ऐसे आप रेडी है सर्व करने के लिए, एंजॉय कीजिए। और अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।